एबटाबाद में खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल का इम्तिहान गैर हाजिर तालिब इल्म की जगह पर नामालूम शख्स इम्तिहान देता पकड़ा गया। मजीद जानते हैं उबैदुर्रहमान सुलेमानी की इस रिपोर्ट में। एबटाबाद अमानुल्लाह खान मेडिकल इंस्टीट्यूट में खैबर पख्तूनख्वा फार्मेसी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम इम्तिहान का इनेकाद हुआ, जहाँ पर गैर हाजिर तालिब इल्म की जगह पर नामालूम शख्स इम्तिहान देता पाया गया। मशकूक शख्स को इम्तिहानी अमले ने पकड़ लिया, जिसे इम्तिहानी हाल से बाहर कमरे में लाया गया और नामालूम शख्स मौके पाते ही फरार हो गया। इस हवाले से एग्जाम सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इनामुल्लाह का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जी सर, एक बंदा इस तरह है कि वो सस्पिशियस थे तो उनको हमने पकड़ा हुआ है। अच्छा, वो बंदा किसके नशे से बैठ हुआ था? कोई ये वो कोई माज नाम लड़का है, इसमें एग्जाम में कैंडिडेट है तो उसकी जगह बैठा हुआ था। इंक्वायरी की माज कौन है, किस तरह के? यार माज का तो अभी तो पूरा इंक्वायरी नहीं हुई, लेकिन ये है कि वो एग्जाम का एक कैंडिडेट था, माज नाम है उसका। फर्दर हम उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि क्या कुछ क्या है, ये बंदा क्यों नहीं आता, क्यों अपनी जगह दूसरा बंदा बिठाया हुआ था। बस हमने जो लीगल वो होती है कानून के अंदर, हम उसके खिलाफ हमने वो प्रूफ वगैरह इकट्ठे किए हैं। आगे हम हाई अप्स जो है उनको भेजेंगे, हाई अथॉरिटी जो है काउंसिल को, आगे वो जिस तरह परसू करना चाहते हैं तो कर लेंगे। नामालूम शख्स के तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और मामला इदारे को भेजा जा रहा है। उबैदुर्रहमान सुलेमानी, कोहिनूर न्यूज़ टीवी, एबटाबाद।